रेलवे ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा अपडेट किया है, जिसके बाद से अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, भले ही आपने काउंटर से लिया है, फिर भी आप रिजर्वेशन कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं, आपको जनरल कोच में यात्रा करना पड़ेगा। अगर आप रिजर्वेशन कोच में बैठ जाते हैं, पाए जाते हैं, तो अलग से आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और फिर से आपको अगले ही स्टेशन पे उतार दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा भैया जाके जनरल डिब्बे में बैठो, वहां पे भले ही सीट हो या ना हो। अब देखिए प्रिंस, यहां पे हालांकि ये जो नियम बदला है तो हमने ढूंढने का प्रयास किया है काफी सारा कि भैया जो रेलवेज की वेबसाइट्स हैं उसमें कुछ इससे रिलेटेड नियम देखने को मिल जाएंगे कि अब तक का ये नियम ये था और अब से हमने ये नियम लगा दिया है। तो देखिए, नियम ढूंढने के लिए तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो जो पॉपुलर वेबसाइट है IRCTC, जहां से आप टिकट बुक करते हो, यहाँ पे मैंने देखने का प्रयास किया है। देखिए, अलर्ट में हमें कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे पल पल की इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, कुछ भी बदलाव होता है, ट्रेनें बंद हो जाती हैं, ट्रेनें चालू होती हैं, ऑप्शन का विकल्प चालू होता है, वो सारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पूरी रामायण देखने को मिल जाएगी। हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला है कोई भी अपडेट, अपडेट्स का यहाँ पे सेक्शन है, अपडेट्स में आप अगर जाएंगे तो मुझे तो कुछ भी नहीं देखने को मिला है इधर, फिर भी आप ढूंढ सकते हैं, आपको शायद मिल जाए। जनरल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, यहाँ भी हमने ढूंढने का प्रयास किया है, क्योंकि लिंक्स दिए हुए हैं, रेलवे अपडेट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसमें एक्सटेंशन का कुछ खबर दिया हुआ है, लेकिन आपका यहाँ पे ट्रेन से उतार दिया जाएगा, नहीं यात्रा कर सकते, ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला है। लेकिन आखिरकार हमने ढूंढते ढूंढते यहाँ पे एक वेबसाइट मिली है, आप देख सकते हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे का आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये टाइम डेट भी आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे अपडेट रहती है, जब आप लॉगिन करोगे यानी कि इस वेबसाइट पे आओगे तो ऑटोमेटिक चालू रहती है, तो ये तो लाइव चल रहा है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बारे में बताया गया है, वेट लिस्टेड के बारे में, यानी कि आपकी अगर टिकट वेटिंग है तो आपको क्या करना है, यात्रा करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, वो सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और उसके बाद से अगर आप कोई रिजर्वेशन का टिकट बुकिंग करवाते हैं तो उसकी वैलिडिटी क्या होती है, वो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि आपने हजारों वीडियो देखा होगा लेकिन उसमें कहीं भी रूल के बारे में नहीं देखा होगा। भैया, रूल के बारे में जानना जरूरी है कि भैया अभी करेंट में रूल क्या है, किसी सुने सुनाए बातों पे भरोसा करने से अच्छा है कि हम रूल्स के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वेट लिस्टेड टिकट के लिए क्या कुछ बताया गया है रेलवे के द्वारा, वो हम जान लेते हैं। देखिए, यहाँ बताया गया है कि यदि आपके टिकट करेंट स्टेटस WL लिखा है तो इसका मतलब ये है कि रिजर्वेशन के समय आपके टिकट कंफर्म नहीं हुए हैं। आपके लिए यह सलाह दी जाती है कि रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद अपने टिकट का करेंट स्टेटस चेक करें, ताकि पता चल सके कि आपका टिकट कंफर्म है या नहीं। यदि वे अभी भी वेटिंग लिस्ट में है तो रिजर्व्ड कोच पे न चढ़ें, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है रेलवे के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपका 4 घंटे पहले चार्ट बन जाता है, जैसे ही चार्ट बन जाता है उसके बाद से अब आपको करेंट स्टेटस चेक करना है, आपको अपना PNR नंबर एंटर करके कि भैया आपका जो टिकट है कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। देखिए फ्रेंड्स, चेक करना बहुत ही आसान है, आई होप कि आपको पता होगा, फिर भी नहीं पता है तो इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से आपको चेक करना होता है। अब देखिए, अगर आपका वेटिंग लिस्ट में है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप यात्रा करते समय ध्यान रखिए कि भैया आपको रिजर्व कोच में नहीं चढ़ना है। रिजर्व कोच का मतलब यह है, स्लीपर कोच में पहले लोग चढ़ जाया करते थे, उनका चूंकि वेटिंग टिकट उन्होंने लिया है और वेटिंग टिकट स्लीपर का ही लिया है और कंफर्म नहीं हुआ है, तो वो चढ़ जाते थे और जो यात्री हैं उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती थी, क्योंकि TT खुद भी चेक करते थे और उसको वैलिड मानते थे, कभी भी रिजेक्ट नहीं बोला है किसी को, आज तक नहीं बोला था। लेकिन अभी ये जो नियम लगे हैं कुछ, उसके वजह से यहाँ पे अब इनवैलिड माना जा रहा है, तो वो यात्रा कर पाते थे। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि भले ही वो स्लीपर कोच हो, AC हो, कोई भी हो, रिजर्व कोच है तो उसमें आपको नहीं चढ़ना है, यानी कि आपको अनरिजर्व्ड वाले कोच पे यात्रा करना है, साफ साफ बता दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे और भी बताया गया है, कंप्यूटराइज सिस्टम में सभी ट्रेनों में विभिन्न क्लासेस में वेटिंग टिकट जारी करने की एक लिमिट होती है, इस लिमिट से अधिक वेटिंग टिकट नहीं जारी किए जाएंगे, लेकिन वेटिंग टिकट जारी किए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे का बोलना है कि भैया हम अभी वेटिंग टिकट जारी करेंगे लेकिन लिमिट से ज्यादा जारी नहीं करेंगे। अब काफी लोगों के मन में आक्रोश ये है कि अगर रेलवे को वेटिंग टिकट अलाउ ही नहीं करना है तो जारी क्यों कर रहा है। तो देखिए, एक प्रोसेस होता है, जो आपकी ट्रेन, जिस भी ट्रेन में आप यात्रा करते हैं उसमें काफी सारे कोटा भी होते हैं, कोटा से भी टिकट बुक होते हैं। रिजर्व कोटा में अगर मान लीजिए वो टिकट खाली रह जाता है, वो सीट खाली रह जाता है, तो जिन लोगों का वेटिंग टिकट है ना, उन लोगों को एडजस्ट कर दिया जाता है। और हालांकि काफी लोग टिकट कैंसिल भी कर देते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी आपकी टिकट कंफर्म होते हैं, तो इसलिए आपकी जो टिकट है वो वेटिंग टिकट जारी की जाती है, लेकिन अभी लिमिट में जारी की जाएगी, ऐसा रेलवे का कहना है।
तो आप इसलिए यहाँ पे वेटिंग टिकट जारी की जाती है। तो आपको देखना है कि कम से कम वेटिंग टिकट मिले वो ही टिकट लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद भी यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया कि रेलवे द्वारा महत्वपूर्ण ट्रेनों में एडिशनल कोच लगाने की हर संभव प्रयास किया जाता है ताकि अतिरिक्त भीड़ को कम किया जा सके। ऐसी स्थिति में ऐसी ट्रेनों में आपको कन्फर्म सीट मिलने की संभावना है। हालांकि रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद इसकी जांच की जा सकती है। राजधानी शताब्दी, जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा कि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में वेटिंग वाले यात्रियों के साथ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा या फिर सुना होगा इससे पहले कि कुछ लोग स्लीपर में टिकट उन्होंने लिया था लेकिन उनका जो टिकट है वो एसी कोच में कंफर्म हो गया है। तो जैसा कि यहाँ पे रेलवे के द्वारा भी बताया जा रहा है कि हम मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि आपकी वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए अधिक से अधिक कोच बढ़ाते हैं और या फिर जो भी सीट खाली रह जाती है वहां पे आपकी सीट को कंफर्म करने का प्रयास करते हैं। अब उसके बाद से लास्ट में हम जान लेते हैं, देखिए वैलिडिटी रिजर्वेशन टिकट के बारे में बताया गया है। अब ये क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि आपकी रिजर्व टिकटें केवल विशेष ट्रेन और विशेष स्थिति के लिए ही वैध हैं। यदि आप उसी टिकट के साथ किसी अन्य ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और दंडित भी किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मान लीजिए कि इसमें अब काफी लोग ऐसा अगर कर लेते हैं, गलती से भी गलती करते हैं कि भैया मान लीजिए कि कुछ लोगों की ट्रेन छूट जाती है और उनका टिकट कंफर्म है, मान लेते हैं कि उनका टिकट कंफर्म है और ट्रेन छूट गई है और वो सोच रहे हैं कि भैया जो बगल वाली ट्रेन चल रही है, बाद वाली चल रही है, उसमें हम बैठ जाते हैं और बाद में टीटी को बोल देंगे देखिए मेरा टिकट था और मेरा ट्रेन छूट गया है और मैं यात्रा कर रहा हूं, तो भैया तब भी वैलिड नहीं रहेगा, तब भी आपको बिना टिकट माना जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है, साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इंस्ट्रक्शन जो मुझे दिखी है वो मैंने इधर आपके लिए शेयर किया है। आपकी क्या राय है इस पूरे इंस्ट्रक्शन पे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि जो मेरी पर्सनल राय है, भैया जो रेलवे के द्वारा अगर ऐसा नियम लगाया जा रहा है तो सबसे पहले धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि त्यौहार आने वाला है और अचानक से बोलते भैया आप नहीं जाओगे, वेटिंग टिकट बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है जिनका कन्फर्म टिकट मिल गया है और वो आसानी से यात्रा कर पाएंगे और सुखी से यात्रा कर पाएंगे, कोई नहीं रहेगा उनके अलावा। लेकिन 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 भैया उन लोगों का क्या होगा जो लोग जाना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, भैया कंपनी में काम करते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, साल भर में एक बार छुट्टी मिलती है, दो बार छुट्टी मिलती है और त्यौहार पे अपने घर जाना चाहते हैं और अब उन वो वेटिंग लेके भी यात्रा ना कर पाए, भैया कम से कम स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी चाहिए इतनी कि वो यात्री भी यात्रा कर पाए, अपने घर जा पाए। अब बोल देना कि नहीं भैया आप जाके जनरल डिब्बे में बैठो, जनरल डिब्बे की हाल देखा है किसी ने, वे जनरल डिब्बे में खड़े होने के पैर रखने की जगह नहीं होती है और फिर भी यात्रा करते रहते हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है कि भैया आप जनरल डिब्बे में चले जाओ अगर आपका वेटिंग है तब भी, तो अब वो वेटिंग टिकट लिया है पर्सन ने, पैसा फंसाया है अपना और वो पैसे फंसाने के बावजूद भी, पेनल्टी देने के बाद भी वो जनरल डिब्बे में जाएगा जहां पे पैर रखने की जगह नहीं है, वो वहां पे किस तरीके से एडजस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ये नियम्स तो बहुत ही अच्छे हैं भाई, सराहनीय है, गवर्नमेंट्स के नियमों का पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भैया जो रेलवे है, रेलवे को अचानक से अगर फैसला लिया है तो अचानक से ट्रेन की संख्या भी बढ़ानी चाहिए, रिजर्वेशन के डिब्बों की संख्या कम करने की जगह पे बढ़ाने की आवश्यकता है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लगाने की आवश्यकता है क्योंकि त्योहारों में काफी लोग यात्रा करना चाहते हैं।